सो गाइज यहाँ पर जिनके पास पोको एक्स थ्री प्रो का डिवाइस है, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको इसके अपडेट के फुल रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कौन से टॉप फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं आफ्टर इनहेंस एडिशन अपडेट के बाद, क्योंकि फाइनली पोको एक्स थ्री के लिए इंडिया में इनहेंस एडिशन का एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो कौन से वो फीचर्स है इसके फुल रिव्यू के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला, क्या क्या नया मिलता है अपडेट के बाद, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए क्या करना है, वीडियो को भैया एंड तक देखना है, लाल बटन सब्सक्राइब करके उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसी आपकी डिवाइस इसके रिलेटेड और भी कब भी वीडियोस आएगी, अपडेट आएगी, आप लोगों को पता चलते रहेगा। ये जो अपडेट है, ये अपडेट है Poco X3 Pro के लिए इंडिया में। इसका बिल्ड नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, MIUI 12.5.5.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर है। यहां पर 695 MB की साइज देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहां पर ये है अपडेट इनहेंस एडिशन का अपडेट। अब यहां पर ये अपडेट कल कुछ यूजर को देखने के लिए मिला, जो कि पायलट यूजर को मिला था। मुझे ये अपडेट मिल चुका है, मैंने इसको अपडेट कर लिया है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी पब्लिक यूजर को कब तक मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को 3 या 4 दिन का वेट करना है। अभी पायलट यूजर को मिला है, 3 या 4 दिन बाद ये पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर आप फटाफट से अपडेट के बारे में बात करते हैं, नया क्या मिलता है अपडेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है मेरे पास पोको एक्स थ्री प्रो का डिवाइस। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स में, सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आप लोग देख सकते हो पोको एक्स थ्री प्रो का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, लेटेस्ट बिल्ड नंबर MIUI 12.5.5.0 का। अपडेट लॉक की बात करूँ तो व्हाट्स न्यू में आप लोग वही अपडेट लॉक देखोगे जो सभी डिवाइस में आजकल मिल रहा है, जो कि अदर का ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इसके अलावा कुछ भी मेंशन पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे भी समझ के बाहर है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वही आप लोगों को एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, जो भी अभी सभी डिवाइस में देखने के लिए मिल रहा है, वही एंड्रॉयड 11 अपडेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा है, स्मूथ तरीके से रन करता है, लेटेस्ट बिल्ड नंबर है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आप लोग को बात करूँ, मतलब कौन सा सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, तो आपको नवंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो 1 नवंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता है। अब यहाँ पर कौन से न्यू फीचर्स देखने के मिलते हैं, कौन से यहाँ पर फीचर्स को हटाए गए, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम ऐप अपडेटर में अगर आप लोग जाओगे, तो फिलहाल के लिए कोई भी न्यू सिस्टम ऐप अपडेटर नहीं मिलता है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन का न्यू अपडेट नहीं आया आफ्टर MIUI 12.5 अपडेट के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते, वैसा ही है सब कुछ। अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे सिक्योरिटी स्टेटस में, तो यहाँ पर आप लोगों को गूगल प्ले सिस्टम का जो अपडेट है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड देखने के लिए मिल जाएगा, 1 नवंबर का लेटेस्ट सिस्टम अपडेट। और यहाँ पर ये अपडेट जब भी आप लोग को इनहेंस एडिशन का अपडेट रोल आउट किया जाएगा, उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको अपडेट कर लोगे, तो उसके बाद इसमें आपको एक न्यू अपडेट मिल जाता है। अगर आप लोग अपडेट कर लोगे तो आपको 1 नवंबर में मिल जाएगा, अपडेट नहीं करोगे तो यहाँ पर अगस्त का ही देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वाईफाई किस तरीके का। भाई वाईफाई का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। लॉक स्क्रीन में आप लोगों को क्या चेंजेस देखने में, लॉक स्क्रीन भी आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही है। ये ग्लैंस फॉर MI काफ़ी यूजर पूछते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन हमें ऑन करना चाहिए या फिर, मैं आपको बता दूँ इसको ऑफ ही रखो भैया, यहाँ पर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो सकती है। डिस्प्ले में आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं या फिर नहीं, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। डार्क मोड देखने मिल जाता है, लाइट मोड देखने को मिल जाता है, वही है जो हमेशा मिलता है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट मैंने यहाँ पर चेक किया है, 60Hz पर जिस तरीके से काम करना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से, 120 में भी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको 120 पर रखा है यूज़ करने के लिए, कि 120Hz में अब कितनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है, क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है, वो चेक करने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी ऑन रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो गाइज यहाँ पर यही MIUI 12.5 का जो इनहेंस एडिशन का कुछ फीचर्स है आप लोगों को यहाँ पर इंडिया में मिलते, अगेन कुछ फीचर्स जो चाइना में ही मिलते इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलते। तो उसी तरीके के यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, आधे फीचर्स ही मिलेंगे, सभी फीचर्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं। एडिशनल सेटिंग में भी आपको इस टाइप के फीचर्स देखने के मिल जाएंगे, जो भी ऑप्शन है वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कंट्रोल सेंटर में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले ओल्ड वाला है, मैं खुद भी ओल्ड वर्जन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ओल्ड वर्जन लैग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अब न्यू वर्जन में किस तरीके का देखने के मिलता है, चलो हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर यह है न्यू वर्जन, ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है, ग्लेशियर ब्लर इफेक्ट मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर कोई लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर पहले आप लोगों को पता है कुछ म्यूज़िक का ऑप्शन देखने मिलता था, अब आप लोगों को शायद ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको अब हटा दिया गया है। मैंने इसको चेक किया, म्यूज़िक वगैरह प्ले करके देखा, फिर यहाँ पर चेक किया, ये ऑप्शन मुझे भैया मिला ही नहीं। पता नहीं इसको अब इनेबल करना पड़ेगा या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। और आप लोग चेकआउट कर लेना, अभी अपडेट से पहले आपके डिवाइस में यह ऑप्शन देखने मिलता है, और अपडेट के बाद या फिर मिलता है या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मुझे तो ये फीचर नहीं मिला। इसके अलावा जो स्मार्ट होम का फीचर था, वो भी अब यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रिमूव होकर देखने मिल जाती, मतलब हटा दी गई, पता नहीं ऐसा क्यों किया है।
वैसे अच्छा ही था वो फीचर, ठीक ठाक था, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो हटा दिया, मेरे ज़रूरत की चीज़ तो नहीं थी, बट काफ़ी सारे यूज़र को ये फीचर पसंद आता था। तो आप लोग की क्या राय इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसके अलावा अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, फास्ट है और काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब यहाँ पर ज़रा भी हैंग और डिले देखने के लिए नहीं मिला, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बात करूँ होम स्क्रीन के, होम स्क्रीन में आपको इसी टाइप के जो फीचर्स है जो लॉन्चर अपडेट के देखने मिलता है वही मिल जाएंगे। वॉलपेपर गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट के जो फीचर्स है, कुछ फीचर्स चाइना में सभी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फीचर्स जो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। और अगेन यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे वॉलपेपर में, तो भाई यहाँ पर ये थीम में ला के छोड़ देता है, मतलब थीम एप्लीकेशन उसमें ला कर छोड़ देता है, जबकि चाइना में आप लोगों ने देखा होगा इनहेंस एडिशन अपडेट के बाद वॉलपेपर का एक अलग से ऑप्शन देखने मिलता है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वॉलपेपर चेंज होकर देखने के लिए मिल जाते, तो वो फीचर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर थीम में, चलो थीम में हम जाएंगे तो थीम ओपन हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वॉलपेपर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर थीम में ही लेके जाता है, ये चीज़ अलग है यार। यहाँ पर मतलब काफ़ी कम फीचर हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते, मेरे ख्याल से फीचर्स बढ़ा देने चाहिए अब तो इंडिया में भी। इसके अलावा प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको वही सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। मैं आप लोगों को बैटरी एंड परफॉर्मेंस में किस टाइप के फीचर्स है, कौन से टाइप और कौन से फीचर्स मिले कौन से नहीं मिले। सबसे पहले बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर बैटरी सेवर का ऑप्शन है, यहाँ पर एक फीचर नहीं मिलता है, जो कि बैलेंस और परफॉर्मेंस तीन ऐसे फीचर्स देखने मिलते थे, मतलब तीन ऑप्शन मिलते थे, एक बैलेंस का, एक परफॉर्मेंस का, इस टाइप के फीचर्स मिलते थे जिसमें आप लोग अपने बैटरी को और भी इन्हेंस कर सकते थे, वो फीचर यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए नहीं मिला है। जी हाँ, वो फीचर यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन एक फीचर मिला है जो कि बैटरी में आप लोग चेकआउट कर सकते हो, नॉर्मल है, और यहाँ पर मतलब ये टेम्परेचर वगैरह जो बैटरी यूजर्स है, टेम्परेचर वगैरह अब यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग ये फीचर पहले मिलता था या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर ये फीचर अभी इस अपडेट के बाद मुझे देखने के लिए मिला है। टेम्परेचर वगैरह यहाँ पर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, उस टाइप से आप लोग को यहाँ पर बताएगा, तो ये बैटरी के ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे तो आप लोग इसको सिक्योरिटी में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिनके पास सिक्योरिटी एप्लीकेशन है इसमें जाना है, सिंपली इसमें जाने के बाद आप लोग को बैटरी में जाना है, बैटरी में भी अगेन आप लोग को देखो वही चीज़ मिलती है, आधे फीचर, सभी फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा टेम्परेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो अगेन सारी चीज़ें आप लोगों को जो नॉर्मल देखने मिलती है सब कुछ वही है, यहाँ पर जो फुल जेस्टर वगैरह देखने मिलता है, काफ़ी यूज़र के कमेंट्स आते हैं भाई हमें नेविगेशन बार कैसे इनेबल करना है, तो मैं आपको बता दूँ एडिशनल सेटिंग में जाना है, यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, सिंपली इसको टैप कर लेना भैया, हो गया, नेविगेशन बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई भी लैग और हैंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी स्मूथ तरीके से काम कर रहा है, मतलब लैग वगैरह तो ज़रा भी नहीं मुझे मिला यहाँ पर कुछ भी। इसके अलावा इनहेंस एडिशन का जो मेन फीचर उसकी बात करो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेमोरी एक्सटेंशन, ये फीचर आप लोग को इस अपडेट के बाद देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेमोरी एक्सटेंशन के फीचर्स में आपको 2 GB रैम बढ़ाकर देखने के लिए मिल जाएगा, मुझे 2 GB का मिला है, 2 GB रैम मुझे बढ़ाकर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा डिवाइस है 6 GB रैम का, तो यहाँ पर इस हिसाब से 2 GB देखने के लिए मिल जाता है। अब मेरे ख्याल से आप लोग को भी इसी हिसाब से देखने के लिए मिलना चाहिए, बट काफ़ी सारे डिवाइसों में काफ़ी यूज़र के कमेंट्स आए थे कि हमें 1 GB मिल रहा है, तो आपको वेरिएंट्स के हिसाब से ही देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर बात करूँ यहाँ पर काफ़ी यूज़र के डाउट्स है, वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको इनेबल कर लिया है, तो इसको इनेबल करने के बाद काफ़ी सारे यूज़र चेकआउट करते कि हमारा रैम अगर 6 GB तो 8 GB क्यों नहीं बता रहा, तो मैं आपको बता दूँ वो इस तरीके से नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर वो बैकग्राउंड में रन करता है, मतलब जिनका 6 GB रैम है डिवाइस, पहले से 6 GB रैम है, तो यहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर 8 लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ पर आपको 6 GB रैम ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पर इस फीचर को इनेबल करने के बाद ये फीचर आप लोगों को 2 GB, जो भी 1 GB 2 GB जो मेमोरी आप लोगों को बढ़ाकर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि रैम देखने को मिलता है, वो रैम आपको एडिशनल फीचर यानी कि वो बैकग्राउंड में रन करेगा, ठीक है ना, आपको उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 128 GB की जो स्टोरेज है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 GB कम हो जाएगा और वो रैम में हमें बढ़ाकर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि मान लो मेरा डिवाइस 6 GB है, तो वहाँ पर वो 8 GB तरीके से 8 GB रैम के तरीके से वर्क करेगा, उस तरीके से परफॉर्मेंस देगा, यहाँ पर स्टोरेज 126 GB के हिसाब से काम करेगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन वो बैकग्राउंड में उस तरीके से काम करने वाला। तो इसके अलावा स्पेशल फीचर्स में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो गेम टर्बो आप लोग को वही नॉर्मल देखने में मिलता है, कुछ खास चेंज नहीं मिलते यहाँ पर आप लोग देखोगे तो, इस टाइप का फीचर्स जो भी ऑप्शन देखने मिलता है वो आप लोग को मिल जाएगा। इसके जो मेमोरी एक्सेप्शन का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो अपडेट के बाद, और यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। ये है गेम टर्बो, और न्यू वाला गेम टर्बो अभी भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। वीडियो टूल बॉक्स की बात करूँ तो वही चीज आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है, कुछ खास चेंज नहीं मिलते। फ्लोटिंग विंडो वगैरह और सेकंड स्पेस, इसके बारे में क्या बताओ, कुछ भी यहाँ पर खास देखने के लिए
नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कैमरे में क्या क्या नया मिलता है, तो काफी जगह कमेंट्स आ रहे होंगे कि कैमरे के बारे में भी बता दो। तो कैमरे में आपको वही सारी यूआई वगैरह बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा, वीडियो में भी आपको बिल्कुल वही सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, फोटोज में आप लोग देखोगे तो वही सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, कुछ खास चेंज नहीं है। मोर में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा, ये आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अरे भाई सीधे हो जाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, यहाँ पर प्रो पोर्ट्रेट नाइट 48 मेगापिक्सल वगैरह पैनोरमा, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का जो देखने मिलता है आप लोग कमेंट करके जरूर बता रहे हैं कि आप लोगों को ये फीचर पहले भी मिलता था या फिर नहीं, जिन लोगों ने अपडेट कर लिया है। और जिन लोगों ने नहीं किया तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को भी ये डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो मिलता है या फिर नहीं। मान लो यहाँ पर सिंपली मैंने इसको फोटो क्लिक कर लिया, ठीक है ना, ये अपने हिसाब से फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगी। ओरिजिनल है, बी एन डब्ल्यू है और यहाँ पर इनहेंस लिखा है, यानी कि यहाँ पर इसमें थोड़े बहुत चेंज होकर देखने के लिए मिल जाती है। इसको मान लो अगर मैं यहाँ से एडिट कर लूँ तो यहाँ पर मैंने टैप कर लूँगा, यहाँ पर टैप करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप के जो ऑप्शन है ये देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये है इस अपडेट के बाद ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे कुछ भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखना है। तो मोर में अगर आप लोग जाते इसके अलावा यही सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एडिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ड्यूअल वीडियो का ऑप्शन है, क्लोन है, लॉन्ग एक्सपोजर है, यही सारी चीज़ें आपको जो नॉर्मल तरीके से देखने मिलती है वो सारी चीज़ें आपको वैसी की वैसी ही देखने के लिए मिलती है। गैलरी में अगर मैं बात करूँ तो गैलरी में नॉर्मल वही सारी चीज़ें, कुछ खास चेंज देखने के लिए नहीं मिलने वाला। यहाँ पर अगर आप लोग एडिट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स भले देखने के लिए मिल जाए, आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पर छोटे मोटे जो नए फिल्टर्स है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लासिक में, पॉपुलर में, पोर्ट्रेट में आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग चेकआउट कर लेना। मुझे भी कमेंट करके जरूर बता रहे हैं आप लोगों को कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग फिल्टर देखने के लिए मिला है, कमेंट करके जरूर बता सकते हो। बाकी मुझे वैसी की वैसी ही चीजें लगी, कुछ खास ज्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिला है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाइस परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है फिलहाल के लिए, मतलब यहाँ पर मैंने जब इसको अपडेट कर लिया तो उसके बाद मुझे स्मूथनेस काफी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिली। और यहाँ पर मैंने आप लोग बताया हीट वगैरह फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम साउंड वगैरह काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पर साउंड वगैरह कम नहीं हुआ है, जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, काफी क्लियर सुनाई दे रहा है। साउंड वॉल्यूम पैनल आप लोग देख सकते हो, जो आपको इनहेंस एडिशन का मीवा 12.5 का जो देखने मिलता है वही यहाँ पर देखने मिलता है, यहाँ पर भी कुछ खास चेंज नहीं किया गया। तो ओवरऑल गाइज यहाँ पर इस अपडेट की बात करूँ, इस डिवाइस की बात करूँ, अपडेट के बाद क्या क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो सब कुछ मैंने आपको बता दी, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन का अपडेट MIUI 12.5 से भी अच्छा है, MIUI 12 अपडेट से भी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, स्मूथनेस देखने को मिलती है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे तरीके से डिवाइस रन कर रहा है, ज़्यादा लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ इसको मैं यूज़ करूँगा 3-4 दिन तक ऐसे ही इस अपडेट पर, उसके बाद एक आप लोगों को अलग से वीडियो देखने के लिए मिलेगी, अलग से एक और रिव्यू की वीडियो मिलेगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, भाई बैटरी कैसी चल रही, कितनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, इसके अलावा डिवाइस कितना हीट हो रहा है, हीट हो भी रहा है या फिर नहीं, तो उस बारे में आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा, उसका अलग से रिव्यू करूँगा, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो टॉप फीचर्स थे, जो भी अलग से फीचर्स देखने मिलते थे, कौन से फीचर्स हटा दिए गए वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा कुछ नए फीचर्स जो आए होंगे वो मेरे से अगर छूट गए होंगे, मैं भूल गया रहूँगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अभी फिलहाल के लिए पायलट यूज़र को मिला, सभी यूज़र को नहीं मिला, जिन लोगों ने कर लिया तो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी सभी यूज़र को कब तक मिलेगा तो मैंने आपको बताया 3-4 दिन का वेट करो, सभी पब्लिक यूज़र के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और अपडेट मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक लेगा यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो या जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा उसको प्रेस करके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के अपडेट्स के लिंक्स वगैरह आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर लेना।